नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिल्पी एंड वेलकम टू मायापुरी टीवी एंड वेब सीरीज बुलेटिन। इंडियन आइडल 10 में इस हफ्ते सभी के लिए नए चैलेंजेस लेकर आए बॉलीवुड के फेमस रैपर बादशाह। उन्होंने अपने इन अतरंगे चैलेंजेस से जजेस को भी नहीं बख्शा। इस एपिसोड में बादशाह ने अपना अगला सिंगल शी मूव इट लाइक रिलीज किया। अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर मैट हार्डी ने इंडियन आइडल के स्टेज पे आकर सबको सरप्राइज किया और दबंग सॉन्ग में डांस भी किया। इस एपिसोड में नीलांजना ने जीता परफॉर्मर ऑफ द डे। INTM सीजन 4 के फाइनल एपिसोड में तीनों फाइनलिस्ट को मिला मलाइका के साथ फोटोशूट करने का मौका। इस फोटोशूट और रैंप पे फाइनलिस्ट को जज किया गया, जिसमें निशा यादव और रुशाली को बीट करके इंडिया की टॉप मॉडल बनी उर्वी शेट्टी। शो की शुरुआत 13 कंटेस्टेंट्स से हुई थी और जजेस के हिसाब से उर्वी सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही हैं। उर्वी ने हर बार ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि बहुत से टास्क जीते भी। उर्वी मॉडलिंग के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग में भी ट्रेंड है। कॉफी विद करण सीजन 6 में इस हफ्ते अपना डेब्यू किया दो अमेजिंग पंजाबी सिंगर्स दिलजीत दोसांझ और रैपर बादशाह ने। अपने यूनिक फैशन सेंस और महंगे कपड़ों के शौक की वजह से जाने जाने वाले इन सिंगर्स के साथ करण ने खेला एक अनोखा गेम, जिसमें इन्हें बॉक्स से निकलते हुए करण के कपड़ों के ब्रांड्स पहचानने थे। इस एपिसोड में दिलजीत ने इम्प्रेस किया करण को अपनी इनोसेंस से और जताया खुलकर काइली जेनर के लिए अपना प्यार। रैपिड फायर राउंड और फाइनल गेम जोन में भी हैम्पर जीता बादशाह ने। और अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की शॉर्ट न्यूज। बिग बॉस 12 में अपनी वाइफ और बच्चों से मिलकर इमोशनल हुए करणवीर बोहरा। कॉफी विद करण में अगले हफ्ते आ रहे हैं बॉलीवुड के चामर आयुष्मान खुराना एंड कंट्रीज हार्टथ्रॉब विक्की कौशल। MTV स्प्लिट्सविला 11 में इस हफ्ते रोहन हुए एलिमिनेट, पर शगुन ने संयुक्ता को एलिमिनेशन से बचा लिया। टीवी एंड वेब सीरीज के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।